हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्पेस स्वीपर्स। कहानी की शुरुआत होती है सन 2092 से, यानी कि आज के वक्त से बहुत आगे की दुनिया, जहां पर अर्थ को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अर्थ का अस्तित्व तो जल्दी खत्म होने वाला है, यानी कि यहां पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कंपनी ने स्पेस में एक स्पेस स्टेशन को बनाया होता है जिसका वातावरण पूरी तरह से धरती की तरह होता है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए धरती के बहुत सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अमीर आदमी रह सकते हैं। और जिसने स्पेस स्टेशन को बनाया है उसका नाम जेम्स है। जेम्स रिपोर्टर्स को बताता है कि मार्स में एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से पृथ्वी की तरह हरा भरा बना दिया गया है, जिसमें इंसान आराम से सांस ले सकते हैं, और जल्द ही पूरी की पूरी आबादी को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जेम्स की बातों से ऐसा लगता है कि वो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि इंसानों ने अपनी धरती को खत्म कर दिया, उसके सारे रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर दिया, इसीलिए वो इंसानों से नाराज होता है। लेकिन यहाँ पर एक रिपोर्टर उसकी बात को काउंटर करता है। वो कहता है कि आप यहाँ से मार्स पर जाने वाले हो, लेकिन आपने कभी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जो आज भी धरती पर रहते हैं। दरअसल 90% जनसंख्या अब भी धरती पर है, जो जल्दी वातावरण के खत्म होने के साथ खुद भी पूरी तरह से मिट जाएगी। वहीं हमें स्पेस स्टेशन के चारों तरफ एक टीम को दिखाया जाता है जो स्पेस स्टेशन से निकले हुए मलबे को साफ करती है। इन्हें स्पेस स्वीपर्स कहा जाता है, और जब भी अपने कंटेनर को खोलते हैं तो उसके अंदर एक बच्ची होती है जिसे ये अपने शिप में ले आते हैं। इस बच्ची का नाम डोरोथी होता है, और जब ये डोरोथी की डिटेल्स को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये इंसान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे कुछ दिन पहले एक टेररिस्ट ग्रुप ने अगवा कर लिया था। अगवा करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर एक बॉम्ब को प्लांट कर दिया गया जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये सब जानने के बाद ये सब के सब डर जाते हैं। यहाँ पर डोरोथी के बैग में एक सैटेलाइट फोन भी होता है, जिससे बार बार एक आदमी जिसका नाम डॉक्टर कैंग होता है उसे कॉल किया गया था। ये फैसला करते हैं कि ये उसे कॉल करेंगे और डोरोथी के बदले उन टेररिस्ट से पैसों की डिमांड करेंगे। ये उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमें $2 मिलियन चाहिए। वो इन्हें $2 मिलियन देने के लिए राजी हो जाता है, जिससे सब के सब बहुत खुश होते हैं। डोरोथी के अंदर यहाँ पर खास पावर्स भी होती हैं। वो एक प्लांट को देखती है जो मर रहा होता है, पर वो उसे देखकर एक बार फिर से जिंदा कर देती है। वहीं जेम्स ने इन सब की बातें सुन ली होती है, यानी कि उसे अब डोरोथी के बारे में पता है। ये सब के सब डोरोथी को लेकर एक क्लब में जाते हैं जहां पर डॉक्टर इन्हें $2 मिलियन देगा। लेकिन जब क्लब में सब डोरोथी को देखते हैं तो सब के सब डर जाते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि डोरोथी की बॉडी के अंदर बॉम्ब है। जेम्स के लोग भी यहां पहुंच जाते हैं, जो डोरोथी को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और जिन चार स्पेस स्वीपर्स को डोरोथी मिली थी उनमें से एक का नाम किम होता है, वो डोरोथी को बचाकर अपने साथ यहां से निकाल कर ले जाता है। वहीं जेम्स को दिखाया जाता है जो एक मीटिंग में होता है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मार्स में किस तरह से इन्होंने पेड़ पौधों को उगाया है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी को नैनोपॉट्स कहा जाता है, जिसकी मदद से पेड़ पौधों को सुपर प्लांट्स बनाया जा सकता है, यानी कि मार्स में उसी की मिट्टी और वातावरण के अनुकूल पेड़ पौधे वहां पर फलते फूलते हैं। दूसरी तरफ किम और उसके साथी डोरोथी का ध्यान रख रहे होते हैं। किम का एक साथी डोरोथी से बहुत प्यार करता है, वो उसके बहुत करीब रहता है, जबकि किम उससे हमेशा दूर रहता है। उनके पास एक फीमेल रोबोट भी होती है जो डोरोथी का मेकअप कर रही होती है, और वो डोरोथी को किम के बारे में बताती है। वो कहती है कि बहुत सालों पहले किम यहाँ पर एक स्पेस गार्ड था जो स्पेस स्टेशन में इलीगल तरीके से आने वाले लोगों को मारा करता था। एक बार जब वो कुछ लोगों को मारता है तो वहां पर उसे एक बच्ची मिलती है, जिसे देखकर उसके दिल में उसके लिए प्यार और दया का भाव जाग उठता है। वो तय करता है कि वो उस बच्ची को पालेगा, वो उसका ध्यान रखना शुरू कर देता है। लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि तेज नॉइस के कारण उसके सुनने की शक्ति जा चुकी है, जिसका कारण वो खुद था। इसीलिए उसने हमेशा के लिए स्पेस गार्ड का काम छोड़ दिया, क्योंकि अब वो किसी को नहीं मारना चाहता था। पर इसके बाद उसे खाने पीने पैसों की बहुत तकलीफ होना शुरू हो गई, और एक दिन जब बच्ची मार्केट में होती है तो स्पेस स्टेशन का बहुत सारा मलबा उस जगह पर गिर जाता है, जिस वजह से वो बच्ची हमेशा के लिए खो गई। किम उस बच्ची से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसे ढूंढना चाहता था। वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उससे बहुत सारे पैसे मांगे जाते हैं, तभी बच्ची को ढूंढा जाएगा। और उसके पास 3 साल है,
तीन साल में अगर उसने पैसे नहीं दिए तो शिप का जितना भी मलबा फैला गया है उस मलबे को बच्ची के साथ कहीं दूसरी जगह फेंक दिया जाएगा। इसीलिए किम को पैसों की जरूरत है, इसीलिए उसने डोरथी के बदले डॉक्टर से पैसों की डिमांड की थी, इसीलिए वो डोरथी के पास नहीं जाता क्योंकि वो किसी से भी कनेक्ट नहीं होना चाहता। वहीं दूसरी तरफ हमें जेम्स को दिखाया जाता है जिसके पास वो रिपोर्टर अब भी होता है जिसने उससे सवाल पूछे थे। वो उसे बताता है कि जब मैं अर्थ पर था तो एक टेररिस्ट ग्रुप ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया था, जिसके बाद मैंने तय किया कि मैं अर्थ को एक अच्छा प्लेस यानी कि बेटर प्लेस बनाऊंगा, उसका पूरा कंट्रोल अपने पास रखूंगा, मुझे धरती की और मार्स की कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उसने जो स्पेस स्टेशन बनाया होता है ये धरती के रिसोर्सेज यूज करके ही बनाया होता है जिसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगे होते हैं और धरती की जो आज हालत है उसकी हालत का कहीं ना कहीं वो भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। इसके बाद वो रिपोर्टर को मार देता है। वहीं दिखाया जाता है कि डोरथी को पकड़ने के लिए एक आदमी आता है, उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन तभी किम और उसका साथी उसे बचा लेते हैं। दरअसल ये टेररिस्ट ग्रुप का एक मेंबर है जो इन सब को डोरथी के बारे में बताता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है बल्कि वो एक इंसान है। उसके पिता एक डॉक्टर एक साइंटिस्ट है जो कि नैनोबायोटिक पर काम करते हैं। जब डोरथी पैदा हुई थी तो उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसका पूरा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो गया था, वो बोल भी नहीं पाती थी। इसीलिए उसके पिता ने उसकी बॉडी में नैनोबायोटिक को इंजेक्ट कर दिया जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई। साथ ही उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गई जिससे वो दूसरे नैनोबायोटिक से बात कर सकती है जो पेड़ पौधों के अंदर होता है। पर जब ये बात जेम्स को पता चली तो उसने डोरथी की मदद से पूरे मार्स प्लेनेट को हरा भरा कर दिया। उसी की वजह से मार्स प्लेनेट आज हरा भरा है। अगर वो चाहता तो वो अर्थ पर भी ऐसा कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो ये भी बताता है कि मैं किसी टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं बल्कि हम सब इन्वायरमेंटलिस्ट थे। जब हमने जेम्स से सवाल पूछे कि उसने अर्थ को हरा भरा क्यों नहीं किया तो वो हमारे खिलाफ हो गया। उसने मीडिया के जरिए हम सबको टेररिस्ट घोषित कर दिया और अब वो हमें मारना चाहता है। एक बार अगर उसका मार्स का मिशन पूरा हो गया तो वो अर्थ को पूरी तरह से मिटा देगा। वो इंसानों से नफरत करता है, साथ ही वो डोरथी को भी मारना चाहता है और डोरथी को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे 200 डिग्री सेल्सियस पर रखना होगा जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके लिए जेम्स ने अंतरिक्ष में पूरी की पूरी एक फैक्ट्री तैयार की है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं और उन बॉम्ब्स के बीचों बीच वो डोरथी को रखकर ब्लास्ट कर देगा। डोरथी का खात्मा हो जाएगा, साथ ही नैनोबॉट्स का भी, और वो फैक्ट्री नीचे अर्थ पर गिरेगी जिससे लगभग 30 लाख लोग मारे जाएंगे। अब यहाँ पर जेम्स के लोग पहुंच जाते हैं जो डोरथी को पकड़ना चाहते हैं, साथ ही इन सबको मारना चाहते हैं, पर डोरथी की मदद से सबके सब यहाँ से निकल जाते हैं। और अब ये डोरथी को उसके पिता जो कि वैज्ञानिक होते हैं उनके पास ले जाते हैं। डोरथी के पिता डोरथी को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर अब यहाँ पर जेम्स भी अपने रोबोट के साथ पहुंच चुका है जो यहाँ पर डोरथी के पिता के साथ साथ बाकी सभी लोगों को मार देता है। पर किम और उसके तीनों साथी अब भी जिंदा है। किम की एक साथी के दांत के अंदर बॉम्ब होता है जिसे वो एक्टिवेट कर देती है, पर जेम्स को इस बात का पता होता है इसीलिए वो उसे डिफ्यूज कर देता है। इसके बाद वो किम से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें $2 मिलियन की जरूरत है ताकि तुम अपनी बेटी को ढूंढ सको, मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा पर डोरथी को तुम्हें मेरे हवाले करना होगा। किम अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है इसीलिए वो उसकी इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है और डोरथी को उसके हवाले कर देता है। पर किम के जो तीन साथी होते हैं वो पैसे लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये गलत है, उन्हें किसी भी कीमत पर डोरथी को बचाना चाहिए। पर किम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पैसे लेकर लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट जाता है जहां पर उन्हें अब उसकी बेटी का कुछ सामान मिल गया होता है। वो अपनी बेटी की एक नोटबुक देखता है जिसमें उसकी बेटी ने लिखा होता है कि मेरे पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करते और मैं भी एक दिन उनकी तरह बनना चाहूंगी। ये पढ़ने के बाद किम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस अपने साथियों के पास आ जाता है और तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर डोरथी को बचाएगा। ये सब के सब उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां पर हाइड्रोजन बॉम्ब है जिसके फटने के बाद डोरथी के साथ साथ अर्थ पर भी 30 लाख लोग मारे जाएंगे। बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका होता है और इसे डीएक्टिवेट करने का कोई भी तरीका नहीं है और इससे जो वेव्स निकलेंगी वो 5000 के एरिया के रेडियस में फैल जाएंगी और सारे नैनोबोट्स मारे जाएंगे। और एक बार अगर नैनोबोट्स खत्म हो गए तो डोरथी के अंदर जो नैनोबोट्स को इंजेक्ट किया गया है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे जिससे डोरथी की मौत हो जाएगी
और अगर इन्हें डोरथी को बचाना है, इस जगह को बचाना है, अर्थ को बचाना है, तो उन्हें इस फैक्ट्री को यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर भेजना होगा। पर इससे पहले कि ये ऐसा करते, यहाँ पर जेम्स के कुछ लोग आ जाते हैं। किम का साथी उनसे लड़कर उन्हें मार देता है और अब वो इस फैक्ट्री को यहाँ से दूर ले जाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। यहीं पर किम की जो साथी है, जिसका नाम जैंग है, जो ब्लास्ट करने वाली थी, वो स्पेस स्वीपर से मदद मांगती है और जेम्स की सारी हकीकत उन्हें बता देती है। जिसके बाद सभी स्पेस स्वीपर्स अपने स्पेसशिप से यहाँ पर आते हैं और जेम्स के सभी ड्रोन्स को मार गिराते हैं। अब ये इस फैक्ट्री को यहाँ से ले जाना शुरू करते, पर इससे पहले कि ये ऑर्बिट से बाहर निकलते, जेम्स भी अपना स्पेसशिप लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वो इनके पीछे होता है। उसे पता चलता है कि डोरथी इनके साथ नहीं है। दरअसल डोरथी को इन्होंने स्पेस स्वीपर के शिप से यहाँ से दूर भेज दिया होता है। ये चारों समझ जाते हैं कि इनके पास जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो कभी भी फट सकता है, जिससे इन सब की मौत हो जाएगी। इसीलिए चारों के चारों एक दूसरे को अपना आखिरी गुड बाय कहते हैं। साथ ही इनके पीछे जेम्स का स्पेसशिप होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर ब्लास्ट हुआ तो जेम्स भी मारा जाएगा। और अगले पल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे जेम्स की मृत्यु हो जाती है। लेकिन डोरथी दूर से, जिसके नैनोबोट्स अभी तक पूरी तरह सुरक्षित है, अपनी पावर से इन चारों को बचा लेती है। इसके बाद डोरथी अपनी पावर से बार बार अर्थ पर जाकर वहां पर ग्रीनरी दोबारा पैदा करती है। अर्थ पहले की तरह हो जाती है, यानी कि बहुत जल्दी अर्थ पर किसी भी तरह का पॉल्यूशन, किसी भी तरह की ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। वही किम जो हमेशा अपनी बेटी को ढूंढा करता था, दरअसल उसकी बेटी उसी एक्सीडेंट में मारी गई थी जिसके बारे में उसे पता था। बस वो अपनी बेटी की डेड बॉडी को वापस पाना चाहता था, ताकि वो आखिरी बार अपनी बेटी को देख सके। इसीलिए वो पैसे इकट्ठे कर रहा था। और अब डोरथी, जिसके अंदर कई सारी पावर्स हैं, वो अपनी पावर से उसकी बेटी का एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है और किम अपनी बेटी को देख पाता है, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता है। किम की बेटी उस इमेज में, उस रिफ्लेक्शन में उसके गले लग जाती है। वो उसे आखिरी बार गुड बाय कहता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये साइंस फिक्शन कहानी आपको पसंद आई होगी।